खबर का रुख कर लेते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, रामलीला मैदान में कांग्रेस की जन आक्रोश रैली, रैली में सोनिया गांधी का संबोधन जारी। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, सोनिया गांधी बीजेपी सरकार पर साध रही है निशाना। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, देश में बेटियां सुरक्षित नहीं, ये कहती नजर आई हैं सोनिया गांधी। रामलीला मैदान में कांग्रेस की जन आक्रोश रैली है, राहुल गांधी के पार्टी अध्यक्ष बनने के बाद एक बड़ा राजनीतिक कार्यक्रम किया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से, जिसमें इस रैली में ज्यादा से ज्यादा लोगों के पहुंचने की बात लगातार कांग्रेसी नेताओं की तरफ से की जा रही है। तो अब जो रैली है उसमें सोनिया गांधी ने संबोधन किया, वहां पर जनता को संबोधित किया और इसमें देश की बेटियों के सुरक्षित न होने की बात कहती नजर आई है। साथ ही साथ बीजेपी पर जमकर निशाना भी साधा है इस मौके पर सोनिया गांधी ने। तो लगातार जो रैली में भीड़ जुटाने की बात हरियाणा कांग्रेस की तरफ से की जा रही थी और अब कहीं ना कहीं कांग्रेस अपनी जो एक तरीके से ताकत दिखाने का काम इस रैली में कर रही है। कांग्रेस की जन आक्रोश रैली है ये, रामलीला मैदान में जारी है, जहां पर सोनिया गांधी ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। हरियाणा कांग्रेस के तमाम बड़े नेता पहुंचे हुए हैं, जिसके लगातार हमारे जो सहयोगी हैं वो इस पर नजर बनाए हुए हैं। इस खबर पर लगातार उनकी तरफ से जानकारी दी जा रही है सुबह से ही कि जो हरियाणा कांग्रेस की तरफ से बड़े नेता हैं, चाहे वो तवर हो गए, हुडा हो गए या फिर हुडा गुट या तवर गुट के सब तमाम बड़े नेता वहां पर नजर आ रहे हैं। तो वहीं अब सोनिया गांधी ने बीजेपी सरकार पर अपने संबोधन में जमकर निशाना साधा है, ये कहती नजर आई है कि देश में बेटियां सुरक्षित नहीं है। कहीं ना कहीं महिला सुरक्षा का जो मुद्दा है, बेटियों की सुरक्षा का जो मुद्दा है, वो कांग्रेस सबसे पहले उठाएगी, ये उम्मीद की जा रही थी। और यहाँ पर भी वही ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी मुकेश मंडल यहाँ पर जुड़ गए हैं। मुकेश, सोनिया गांधी ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है, क्या कुछ क्या उनका संबोधन पूरा हो गया है या अभी कुछ जारी है? बिल्कुल, मैं बता दूं, बीजेपी पे निशाना साधा है। उन्होंने साफ कहा है कि बीजेपी की सरकार जो है वो जाने वाली है, कांग्रेस जो है वो देश में आने वाला है। उसके साथ ही उन्होंने कहा तो बीजेपी से हर वर्ग नाखुश है, चाहे हम बात करें प्रदेश के किसान की, देश के किसान की बात करें, युवाओं की बात करें, बेरोजगारी बढ़ी है। तो इस तरह से कहीं ना कहीं इस मंच के माध्यम से, जन आक्रोश रैली के माध्यम से जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, सोनिया गांधी की बात करी जाए, तमाम जो नेता वहां पर मौजूद है, वो सब बीजेपी सरकार पे निशाना साध रहे हैं और बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर यहाँ पे जो है वो बातें स्टेज के माध्यम से, मंच के माध्यम से वो कह रहे हैं। यहाँ पे साफ देखा जा सकता है जितने भी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, चाहे हम मनमोहन सिंह की बात करें, शीला दीक्षित की बात करें, रणदीप सुरजेवाला की बात करें, राहुल गांधी की बात करें, या फिर वो जो पूर्व मुख्यमंत्री, जो प्रदेश के कई राज्यों के पूर्व मुख्यमंत्री है, वो यहाँ पे स्टेज में मौजूद है। सबका एक ही नारा है, जो अगली जो लोकसभा चुनाव है चाहे विधानसभा, उसमें कांग्रेस आएगी, क्योंकि बीजेपी से हर वर्ग परेशान है। और इस मंच के माध्यम से कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो लोग हैं वो कह रहे हैं, कांग्रेस के जो नेता है वो कह रहे हैं, कहीं ना कहीं आगामी लोकसभा विधानसभा का बिगुल खुल चुका है। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी के प्रदेश अध्यक्ष, माफ कीजिएगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद ये पहली रैली है और रैली में देखा जा सकता है जो पूरा जोश नजर आ रहा है कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तरफ से, कहीं ना कहीं ये एक मोदी सरकार के खिलाफ इनकी हुंकार है जो आगामी चुनाव को लेकर। जी अब मुकेश, अगर जैसे बात करें राहुल गांधी का संबोधन कितनी देर में होगा, क्योंकि काफी लोग ये सुनने आए होंगे, क्योंकि पहला बड़ा कार्यक्रम है, राजनीतिक कार्यक्रम है, तो कितनी देर में संबोधन होना है राहुल गांधी का? बिल्कुल, जो राहुल गांधी का बोलने का कार्यक्रम है स्टेज के माध्यम से वो अभी कुछ देर बाद ही शुरू हो जाएगा। अभी जो सोनिया गांधी है उन्होंने अभी अपना भाषण दिया, उसके बाद जो मनमोहन सिंह है उन्होंने अपनी बात रखी, तो माना यह जा रहा है जो अब माफ कीजिएगा, राहुल गांधी जो है अब बोलना शुरू कर चुके हैं। अभी मंच पे वो माइक पे आ गए हैं, अभी वो बोलना शुरू करना और उन्हें कर दिया है। तो माना यह जा रहा है जो राहुल गांधी को सुनने के लिए जो यहाँ पे लोग आए उनका इंतजार खत्म हो गया, क्योंकि राहुल गांधी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है कांग्रेस की, जिम्मेदारी संभालने के बाद पहली बार इस तरह से बड़ी रैली का आयोजन किया गया कांग्रेस के बैनर तले। और यही वजह है राहुल गांधी में एक युवा जोश देखने को नजर आ रहा है। और बात करें लोगों के, तो लोग जो यहाँ पे जो आए हैं उसमें युवा वर्ग की बात करें, किसान की बात करें, महिलाओं की बात करें, हर वर्ग यहाँ पे बढ़ चढ़ के भाग ले रहा है राहुल गांधी को सुनने आए। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद राहुल गांधी का यह पहला रैली और देखा जा सकता है उनके चेहरे पे जिस तरह से जोश है, वो जिस तरह से अपनी आवाज से हुंकार भर रहे हैं, अभी वो मंच पे बैठ के बोलना शुरू कर चुके हैं।
बेहद शुक्रिया मुकेश इस पूरी जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखिएगा, दोबारा फिर आपके पास लौटेंगे। फिलहाल दिल्ली से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। रामलीला मैदान में कांग्रेस की जन आक्रोश रैली जारी है, जिसमें अब राहुल गांधी का संबोधन शुरू हो गया है। इससे पहले सोनिया गांधी ने जनता को वहां पर संबोधित किया, कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी पर निशाना साधती हुई नजर आई है यहां पर, न खाऊंगा न खाने दूंगा का क्या हुआ ये कहती हुई नजर आई है सोनिया गांधी। और अब राहुल गांधी का संबोधन शुरू हो गया है।